सो हे गाइस, नमस्ते टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड। तो गाइस देखिए, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आप जो है फ्री फायर के गेम प्ले को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो, वो भी गाइस बिना किसी लैग के, और जो स्क्रीन रिकॉर्डर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है ना वो भी नहीं होगा गाइस। तो एकदम ओपी वाली वीडियो आप सभी भाइयों के लिए होने वाली है गाइस। तो देखिए, बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डर बताऊंगा, साथ ही उस स्क्रीन रिकॉर्डर में जो सेटिंग है ना वो बहुत ज्यादा मेन है। तो अगर इन दोनों चीजों को आप कर लोगे ना तो गाइस आप अपने लो एंड डिवाइस लाइक 2GB, 3GB, 4GB रैम में आराम से जो है स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हो, वो भी बिना किसी लैग के, बिना किसी फ्रेम ड्रॉप, और ऑटोमेटिक जो स्क्रीन रिकॉर्डर ऑफ हो जाता है वो भी नहीं होगा गाइस। तो एकदम धांसू वीडियो होने वाली, वीडियो में एकदम लास्ट तक बने रहिए गाइस। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस एक ही बात है भाई, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होता है चैनल को एकदम सब्सक्राइब कर देना ध्यान से, वीडियो को एक लाइक भी कर दिया करो यार, बहुत ज्यादा मेहनत लग जाती है आप सभी भाइयों के लिए वीडियो बनाने में, और साथ में गाइस यार शेयर भी कर दिया करो अपने फ्रेंड्स वगैरह में, जिससे हमारे चैनल की थोड़ी सी रीच बढ़ेगी। तो यार शेयर भी कर दिया करो गाइस। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, जिन भाइयों के पास 1GB रैम का डिवाइस है और उन्होंने इस वीडियो पर क्लिक किया है हम जो है स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेंगे भाई, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है भाई। 1GB रैम में यार फ्री फायर चलना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है भाई, बहुत मुसीबतों से मतलब बंदे खेल रहे हैं कुछ ना कुछ करके, तो यार उसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग भाई कैसे कर लोगे, इम्पॉसिबल है गाइस। तो गाइस यार मैंने 1GB के लिए बहुत ज़्यादा सर्च किया लेकिन कुछ भी नहीं मिला इसका सॉल्यूशन, आप जो स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं कर सकते हो 1GB रैम में गाइस। हाँ गाइस, जिनके पास 2GB, 3GB, 4GB रैम का डिवाइस है वो कर सकते हो, तो अब मैं आपको बताता हूँ वो क्या आप जो है कैसे कर सकते हो। तो गाइस देखिए, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के अंदर आ जाना है और यहाँ आपको एक एप्लीकेशन मिल जाएगा जिसका नाम होगा प्ले स्टोर नामक एप्लीकेशन, आपको अपने फ़ोन के अंदर मिल जाएगा। तो देखिए, वैसे तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डर की लिंक डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा टॉप पर, तो अगर आप वहाँ से भी डाउनलोड करना चाहते हो तो वहाँ से भी कर सकते हो, वरना आप यहाँ से भी कर सकते हो। गाइस आपको क्या करना है, प्ले स्टोर को आपको सिंपली से ओपन कर लेना है, तो मैं प्ले स्टोर पर जो है टैप कर देता हूँ। इसके बाद देखिए, आपको सर्च बार में सर्च करना है ADV स्क्रीन रिकॉर्डर गाइस, काफ़ी OP एप्लीकेशन है गाइस, मैं इसे खुद ट्राई करता था पहले, ADV स्क्रीन रिकॉर्डर। तो आपको जो सर्च कर देना है, और देखिए मैंने सर्च कर दिया है, जैसे ही आप सर्च करोगे ना टॉप पर आ जाएगा भाई, 10 मिलियन प्लस इसके डाउनलोडर है, काफ़ी OP एप्लीकेशन होने वाला है। तो सिंपली से आपको कुछ नहीं करना है, इस एप्लीकेशन को जो आपको इंस्टॉल कर लेना है गाइस। तो मैं सिंपली से इसको जो है इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो गाइस मेरा जो एप्लीकेशन है ना वो इंस्टॉल हो चुका है, अब आपको क्या करना है, सिंपली से इस एप्लीकेशन को जो आपको ओपन करना है, और यहाँ से देखिए सबसे पहले मैं आपको कुछ सेटिंग बता देना चाहता हूँ, आपको जो है 3 डॉट पर क्लिक करना है और आपको जो है सेटिंग में चले जाना है गाइस। तो देखिए सबसे पहली बात है, आपको वीडियो रिजोल्यूशन का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको आपको जो है 360 या 480 कर देना है। अगर आपका डिवाइस ज़्यादा लैग करता है फ्री फायर खेलते वक्त, गेम प्ले रिकॉर्ड करते वक्त, तो आपको जो है 360 पर आपको वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी गाइस, थोड़ी सी क्वालिटी कम आएगी लेकिन आप बिना किसी लैग के वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे। तो आपको कोई भी 720 नहीं रखनी है, आपको 360 ही रख देनी है अगर आपके पास लो एंड डिवाइस है तो। इसके बाद फ्रेम ड्रॉप को भी थोड़ा सा कम कर लेना है, 25 FPS आपको कर देना है। इसके बाद गाइस देखिए, माइक वगैरह आप अपने हिसाब से कर सकते हो, यहाँ से नो ऑडियो भी कर सकते हो और माइक्रोफोन और इंटरनल ऑडियो एज योर चॉइस यहाँ से आप कर सकते हो। और इसके बाद देखिए गैस, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है गैस। इसके बाद गैस आपको जो है नीचे प्लस का आइकन आपको देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको टैप करना है और आपको ओके कर देना है, और जो ये परमिशन मांगे सबसे पहले उसको अलाउ करना है, और उसके बाद बैक करना है और दोबारा से अलाउ करना है, फिर अलाउ करना है। तो आपको जो है देखिए स्टार्ट नाव पर आपको क्लिक करना है। तो स्टार्ट नाव पर क्लिक करने से आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं होगी, ऐसा आइकन आप सभी भाइयों के सामने आ जाएगा, तो इस आइकन को एकदम रहने देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, गेम प्ले स्टार्ट करना है, और जैसे ही आपका गेम प्ले स्टार्ट हो जाए उसके बाद इस आइकन पर आपको टैप करना है और आपको रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देनी है। इसकी रिकॉर्डर ऑन करके आपको गेम प्ले नहीं करना है, सबसे पहले आपको गेम में एंटर करना है और आपको गेम प्ले स्टार्ट कर देना है। उसके बाद जब आपका गेम प्ले स्टार्ट हो जाए सक्सेसफुली, उसके बाद आपको इस पर टैप करना है और आपको रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देनी है। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और बिना किसी दिक्कत के आप गेम प्ले रिकॉर्ड कर सकते हो गाइस अपने लो एंड डिवाइस में भी गाइस। तो गाइस सर, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको एकदम अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कर देना और यार चैनल को एकदम सब्सक्राइब कर देना ध्यान से। तो गाइस जब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल।